साथ के बहुत हुई खरीदारी, अब है घर में बैठने की बारी। सिंध में ईद शॉपिंग के लिए दी गई मोहलत भी खत्म हो गई, जिसके बाद मुल्क भर में 16 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची तक खैबर, गिलगित तक गवादर एक हफ्ते सब बंद रहेगा। एनसीओसी के मुताबिक सिर्फ अशियाए जरूरिया की दुकानें खुलेंगी, मेडिकल स्टोर्स और होटल्स को पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगा। खुसूसी टीमें जाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगी। रिलीफ खत्म, सिंध में अब लगेगा लॉकडाउन, लेकिन आखिरी रोज अवाम ने ईद के लिए की भरपूर खरीदारी। कराची के बाजारों में बला का रश देखने में आया। सामाजिक फासला तो दूर, इक्का दुक्का के अलावा मास्क किसी के चेहरे पर नजर न आया। सेहत की किसी को नहीं, मगर सबको थी ईद पर कुछ नया पहनने की फिक्र, इसीलिए वक्त बढ़ाने का मुतालबा करते रहे। कारोबार के लिहाज से कम से आवाम को इतना टाइम तो देना चाहिए कि चांद रात तक 6 बजे तक का टाइम कर दे गवर्नमेंट। ये लॉकडाउन से गरीब का चूल्हा तो नहीं जलेगा ना, गरीब बेचारा तो कल भी मारा गया था, आज भी मारा गया। गवर्नमेंट चाहिए थोड़ा टाइम दे लोगों रोजगार करने के लिए, कम से कम 6 बजे तक चांद रात का टाइम दे, ताकि घर का चूल्हा तो जले लोगों का, उसका तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। ईद शॉपिंग के आखिरी दिन खरीदार बड़ी तादाद में निकले तो सड़कों पर भी ट्रैफिक जैम नजर आया। शदीद गर्मी और रोजा, उस पर कोरोना का खतरा, मगर आवाम पर किसी का खौफ न छाया। ये हाल सिर्फ कराची का नहीं, सिंध के दीगर शहरों में भी मनाजिर कुछ ऐसे ही देखने में आए। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आई।